Hey guys, welcome back to our channel App Content Hidden। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए, आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। जब भी मैं स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ लिखा आ रहा है और मैं इस फीचर को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, इसका सॉल्यूशन मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डिवाइस की जो सेटिंग है उसको इनेबल मतलब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक ऑप्शन है उसको ओपन करना पड़ेगा जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐप्स लॉक का ऑप्शन दिखेगा, उसको यहाँ पर फाइंड करना है सबसे पहले, फिर उसको ओपन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐप्स लॉक को ढूंढ लेते हैं अपने डिवाइस में। तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे सीधा मैं सर्च ही कर लेता हूँ ऐप्स लॉक को। ऐप्स लॉक को ओपन करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन शो होंगे। दरअसल होता है कि हम अपने जो ऐप मतलब डिवाइस है उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो हम अपने सिक्योरिटी ऐड करते हैं, लॉक ऐड कर देते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर अपने डिवाइस को यहाँ पर फिर ओपन करते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी कारण आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको भी आ रही है। सबसे पहले आपको जो सेटिंग है अपने डिवाइस की उसमें जो लॉक लगाया ऐप लॉक को उसको ऑफ कर दीजिएगा। और जिस ऐप में आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसमें भी आपको क्या करना है, जो ऐप लॉक वाला फीचर है इसको मतलब ऑफ कर देना है। उसके बाद डिवाइस को रीस्टार्ट करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।